हेलो गाइस, मेरा नाम है फैजल खान और आपका बहुत स्वागत है जियो खान यूट्यूब चैनल पे। जो कोरल्स का प्रीवियस पार्ट था उसमें अपन डिस्कस कर चुके थे जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड द मॉर्फोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ द कोरल्स। नाउ वी विल डील विद द क्लासिफिकेशन एंड द टेट्रा कोरल्स, हेक्सा कोरल्स क्या होते हैं, हर्माटिपिक है, हर्माटिपिक कोरल्स क्या होते हैं, और जो कोरल ब्लीचिंग है वो क्या है और इसका सिग्निफिकेंस क्या है। ये सारी चीज़ें अपने को देखनी है आज के वीडियो लेक्चर में। सो स्टार्ट करते हैं इसको। देखो, जो कोरल्स हैं वो आपके किस मटेरियल से बने होते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट से बने होते हैं। कोरल्स आर मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। अब याद करो पैलेंटोलॉजी वीडियो लेक्चर पार्ट वन, उसमें मैंने आपको डिस्कस किया था केमिकल एनवायरनमेंट। उसमें मैंने आपको बताया था कि जो कार्बोनेट्स हैं वो आपके कौन से केमिकल एनवायरनमेंट में स्टेबल होता है। बच्चे खेल रहे हैं बाहर, ठीक है। सो इसको अवॉइड करना थोड़ा। देखो, ये आपके मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट है, तो इसमें क्या है कि एल्कलाइन एनवायरनमेंट में स्टेबल होंगे। अब एल्कलाइन एनवायरनमेंट क्या होता है वो अपन ने पीएच लेवल के बेसिस पे डिफाइन किया था। पीएच क्या होती है, एक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन एच प्लस आयन, ठीक है। तो पीएच कितनी होनी चाहिए, ग्रेटर देन 8.1, ठीक है। अब पीएच को कौन रेगुलेट कर रहा है, एच प्लस आयन। कैसे, कि जैसे आपका ये पीएच है तो पीएच का फॉर्मूला अपन क्या देते हैं, माइनस लॉग 10 H+, ठीक है। तो इस फॉर्मूले में जैसे आप 10 की पावर -6 रखेंगे, 10 की पावर -8 रखेंगे, तो 10 की पावर -6 रखेंगे तो पीएच आएगी 6, और 10 की पावर -8 रखेंगे तो कितना आएगा, 8, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पता है कि 10 की पावर -6 इज लार्जर देन 10 की पावर -8। सो अगर कंसेंट्रेशन ऑफ एच प्लस आयन इज लार्जर देन द पीएच विल बी एट लोअर एंड, एंड इफ द कंसेंट्रेशन ऑफ एच प्लस आयन इज लोअर देन पीएच विल बी हायर, ठीक है। तो अब पीएच और एच प्लस आयन के बीच में कैसा रिलेशन है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। नाउ एच प्लस आयन की कंसेंट्रेशन कौन रेगुलेट करता है वो अपन देखते हैं। इनडायरेक्टली कौन करता है, जैसे CO2 है, ठीक है, CO2 + H2O है, ये क्या बनाएंगे, H2CO3 कार्बोनिक एसिड, एंड दिस कार्बोनिक एसिड विल रिलीज वन एच प्लस आयन, ठीक है, H+HCO3-, ठीक है। नाउ दिस एच प्लस आयन विल डिटरमाइन द पीएच वैल्यू, बट दिस कंसेंट्रेशन इज डिटरमाइंड बाय द कंसेंट्रेशन ऑफ CO2, क्योंकि H2O तो है ही ओशंस के अंदर, ठीक है। अब CO2 और pH के बीच में कैसा रिलेशन हो गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। अब इसको आप ध्यान में रखना, ये बहुत सी एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है कि pH इंक्रीज होगा तो CO2 के पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, अगर pH डिक्रीज हो रहा है तो CO2 पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। इसका उल्टा देख लो, CO2 अगर इंक्रीज होगा तो pH इंक्रीज होगी डिक्रीज होगी, CO2 अगर डिक्रीज होगा तो pH इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। सो रिलेशन बिटवीन CO2 एंड pH इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। सो CO2 इंक्रीजेस देन pH विल बी लोअर्ड, इफ CO2 डिक्रीजेस देन pH विल बी इंक्रीज्ड। अब देखो CO2 इंक्रीज डिक्रीज कैसे हो सकती है ना। अब इसके भी कई सारे कंसेप्ट है, वो अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। CO2 मैं एक बार बता देता हूँ आपको, अगर सोलिबिलिटी पावर बढ़ाते हैं, इसको अपन ओशनोग्राफी के लेक्चर्स में डील करेंगे। हाँ, ओशनोग्राफी के लेक्चर्स भी आ रहे हैं, ठीक है, डोंट वरी। नाउ CO2 कंसेंट्रेशन कैसे बढ़ा घटा सकते हैं, एक तो सोलिबिलिटी है, सोलिबिलिटी डिपेंड करती है आपकी सेलिनिटी, प्रेशर और डेंसिटी के ऊपर, कई सारे फैक्टर्स हैं। और फोटोसिंथेटिक प्लांट्स की अबंडेंस बढ़ा दें, या रेस्पिरेटरी ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी कंसंट्रेशन घटा दे, या फिर जो फिजिकल वेदरिंग, केमिकल वेदरिंग ऑफ सिलिकेट रॉक्स है उसको बढ़ा दे, तो क्या होगा, CO2 कंसंट्रेशन डिक्रीज होना चालू हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें कई सारे कंसेप्ट हैं, वो अपन ओशनोग्राफी में ही डील करेंगे, यहाँ पे ये करेंगे तो ये लेक्चर ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो स्टिक टू द लेक्चर नाउ। सो कैल्शियम कार्बोनेट, अब मैं कहाँ ले जाना चाह रहा हूँ आपको, एल्कलाइन एनवायरनमेंट ले जाना चाह रहा हूँ। अब एल्कलाइन एनवायरनमेंट के क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स थे, याद करो, टेम्परेचर ज़्यादा होगा, मतलब फोटिक जोन ज़्यादा होगा, फोटोसिंथेसिस प्लांट्स की अबंडेंस ज़्यादा होगी, ठीक है, डेप्थ कम होगी, याद आ रहा है ना ये सारी चीज़ें। तो ये कहाँ पर मिलेगा, टेम्परेचर ज़्यादा, फोटोसिंथेटिक प्लांट्स की कंसनट्रेशन ज़्यादा, CO2 कंसनट्रेशन कम, ये कहाँ पर मिलेगा, ये अपने को मिलेगा ट्रॉपिकल जोन के अंदर, इक्विटोरियल जोन्स के अंदर, ठीक है। तो याद रखना है कि ये जो कैल्शियम कार्बोनेट हैं ये आपके कहाँ पर मिलेंगे, ट्रॉपिकल रीजन्स में मिलेंगे, जहाँ पर वार्म वाटर कंडीशन। अब सारे के सारे कोरल से मिलते हैं क्या, प्रीवियस पार्ट में अपन ने क्या डिस्कस किया था कि आपके कोरल्स हैं वो कॉलोनी बना के भी रहते हैं और सॉलिटरी फॉर्म में भी रहते हैं। तो कॉलोनी बना के कौन रहेगा, कहां रहेंगे, उसको अपन डिस्कस करना है, ठीक है। तो इसके बेसिस पे इसका क्लासिफिकेशन है सिंपल सा, दो अपन टर्मिनोलॉजी इसमें डिफाइन करते हैं, क्या क्या है वो अपन देखते हैं इसमें। देखो, जो आपका हर्माटिपिक कोरल्स है, एक हर्माटिपिक कोरल्स है और एक आपका अहर्माटिपिक कोरल्स है, ठीक है। जो हर्माटिपिक कोरल्स हैं ये आपके कॉलोनी बना के रहने वाले हैं, और ये जो अहर्माटिपिक कोरल्स हैं आपकी सॉलिटेरी है, मतलब सिंगल फॉर्म में रहते हैं, आराम से स्केरसिटी बिछड़े बिछड़े रहते हैं, ठीक है। अब इसमें ये जो हर्माटिपिक कोरल्स हैं इनको आप दूसरा क्या बोलते हैं, रीफ बिल्डिंग कोरल्स। रीफ बिल्डिंग, रीफ का नाम तो सुना ही होगा आपने, रीफ बिल्डिंग कोरल्स हैं ये। दूसरा क्या है कि सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विद दी जूजेंथल एल्गी। अब ये क्या है, ठीक है, अब सिम्बायोटिक, आपने वेनम मूवी देखी होगी, उसमें वो क्या करने की कोशिश कर रहे होते हैं,
एक ऑर्गेनिज्म का जेनेटिक कोड दूसरे ऑर्गेनिज्म को अडॉप्ट करवाने की कोशिश कर रहे होते हैं, याद आ रहा है? तो देख लेना थोड़ा सा, ठीक है? अब रीफ बिल्डिंग कोरल्स और सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विद जूजेंथल एल्गी। अब क्या है ये जूजेंथल एल्गी? बेसिकली आपका क्या है, एक प्लांट लाइफ है, ठीक है? अब प्लांट लाइफ क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस करेगा, फोटोसिंथेसिस करके फूड बनाएगा, ठीक है? अगर ये कोरल्स किसी तरीके से सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में आ जाते हैं, मतलब जो जूजेंथल एल्गी जो इनका फूड बना रही है उसको वो खाने लग जाए, मतलब दे आर ड्राइविंग देयर न्यूट्रिशंस फ्रॉम दी फोटोसिंथेटिक प्रोसेस ऑफ जूजेंथल एल्गी। समझ में आ रहा है? खाना कोई और बना रहा है, खा कोई और रहा है, समझ में आ रहा है? तो अब देखो, जब जूजेंथल एल्गीज की जो कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो क्या होगा, फोटोसिंथेटिक ज्यादा हो रहा होगा बेसिकली, तो फूड कंसंट्रेशन भी ज्यादा होगी, मतलब न्यूट्रिशंस की अवेलेबिलिटी आसानी से हो रही है। अगर न्यूट्रिशन आराम से मिलेगा तो क्या होंगे, कोरल्स कॉलोनी बना के रहेंगे सब इकट्ठे प्यार से, भाई भाई, ठीक है? तो कॉलोनी बना के रहेंगे तो क्या होगा, आराम से रीफ बिल्ड करेंगे, समझ में आ रही है बात? तो न्यूट्रिशन की अवेलेबिलिटी ज़्यादा होगी तो क्या होगा, जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो भी सीक्रेट ज़्यादा करेंगे, अपना एक्सोस्केलेटन ज़्यादा जल्दी से ग्रो करेंगे। याद आ रहा है मैंने ग्रोथ ऑफ स्केलेटन पार्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स में तीन चार प्रोसेस बताई थी, एक आपका सिक्रेशन, एक आपका एग्लूटिनेशन, एक आपका मोल्टिंग और चौथा इनका मिक्सड प्रोसेस, याद आ रहा है? तो सिक्रेशन में क्या होता है, सिक्रेट करते, जैसे ह्यूमन बॉडी आपका स्वेटिंग होती है तो क्या होता है, वाटर मोलिक्यूल्स और इलेक्ट्रोलाइट्स है वो आपकी सरफेस पर आते रहते हैं। अगर विद कोर्स ऑफ टाइम अगर ये आपकी सरफेस से रिमूव नहीं होंगे तो दे विल बिकम द परमानेंट पार्ट ऑफ द स्किन, और विद कोर्स ऑफ टाइम क्या होगा, ये स्किन क्या होगी, थिक हो जाएगी, समझ में आ रहा है? तो ऐसे क्या होता है, ये लार्ज कैल्शियम कार्बोनेट थिक सिक्रेट करेंगे और अपना जो स्केलेटन है उसको ग्रो करेंगे। तो हर्माटिपिक कोरल्स के करेक्टरिस्टिक्स में क्या क्या आ गया, एक तो ये कॉलोनी बना के रहेंगे, दूसरा क्या है, रीफ बिल्डिंग कोरल्स हैं। ये क्वेश्चन भी पूछा गया था कि हर्माटिपिक कोरल्स आपको कहाँ मिलेंगे, वार्म वाटर बोला हुआ था, ट्रॉपिकल रीजन बोला हुआ था, रीफ्स बोला हुआ था। तो अगर रीफ दिया हुआ तो ऑब्वियसली दे आर रीफ बिल्डिंग कोरल्स, सो दे विल फाउंड इन रीफ, ऑब्वियसली, ठीक है? सिंपल सा आंसर है इसका। अब देखो, लार्ज सिक्रेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट होगा तो क्या होगा, उसका एक्सो स्केलेटन होगा वो भी बहुत स्ट्रांग बनेगा और थिक बनेगा। तीसरा, हाई न्यूट्रिशन कंडीशन है, क्यों, क्योंकि इनको कोई टेंशन ही नहीं है, जो जूजेंथल एल्गी है फोटोसिंथेटिक प्रोसेस के थ्रू खाना बना रही है, ठीक है? और चौथा क्या है, ये ट्रॉपिकल रीजन्स और वार्म वाटर में रहेंगे। अब ये क्या है, देखो मैंने आपको एल्कलाइन एनवायरनमेंट के रेफरेंस में मैंने कनेक्ट करके बता दिया कि ये आपको यहाँ मिलेंगे, तो अब इसका मतलब ये है कि कोरल सारे के सारे ट्रॉपिकल रीजन या वार्म वाटर कंडीशन में मिलेंगे, नहीं। क्यों? क्योंकि अपने पास अहर्माटिपिक कोरल्स भी हैं। अहर्माटिपिक कोरल्स कौन से हैं, जो सॉलिटेरी फॉर्म में रह रहे हैं, ठीक है? अभी सॉलिटरी फॉर्म में रहने का मतलब क्या है कि हो सकता है किसी तरीके से ये जूजेंथल एल्गी है उसके साथ में सिम्बायोटिक रिलेशनशिप नहीं बन पाया, ठीक है? तो दे आर नॉट ड्राइविंग देयर फूड और न्यूट्रिशन फ्रॉम दी फोटोसिंथेटिक प्रोसेस एक्सपीरियंस्ड और डन बाय जूजेंथल एल्गी। तो अगर न्यूट्रिशन कंडीशंस अगर की न्यूट्रिशंस की अवेलेबिलिटी कम होगी तो क्या होगा, ऑर्गेनिज्म इधर उधर भागेगा बेचारा, खाना ढूंढेगा अपने लिए, तो क्या होगा, सोलिटेरी फॉर्म में रहना प्रीफर करेंगे, ठीक है? तो दीज आर नॉन रीफ बिल्डिंग। अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा नॉन रीफ बिल्डिंग कोरल्स है तो सीधा आंसर होना चाहिए अहर्माटिपिक कोरल्स, समझ में आ रही है? सोलिटेरी फॉर्म में रहेंगे। दूसरा क्या है, दे आर ए जूजेंथलेट भी बोलते हैं, और क्या बोलते हैं, विदाउट एल्गी, ये भी इनको अपन बोलते हैं। अब देखो, ये खुद अपना न्यूट्रिशन ढूंढ रहे हैं बेचारे, कहीं ना कहीं ढूंढ जा जा के ढूंढ के खा पी रहे हैं, तो इतना ही न्यूट्रिशन अगर उनको मिल रहा है कि वो अपना पेट भर सकें तो सिक्रेशन कहाँ से कर पाएंगे, सिक्रेट नहीं कर पाएंगे तो क्या होगा, जो कैल्शियम कार्बोनेट है उसका सिक्रेशन कम होगा तो क्या होगा, उनका जो एक्सोस्केलेटन होगा वो भी क्या होगा, थोड़ा कमजोर होगा और कम थिकनेस वाला होगा। अब देखो, डिस्पोटिक जोन, अब ये कहाँ पे मिलेंगे, यूफोटिक जोन के अंदर। यूफोटिक जोन क्या होता है, देखो ये आपकी नॉर्मल सरफेस है, सी सरफेस है, नॉर्मल सी सरफेस से लेकर के वो डेप्थ जहां पर सोलर रेडिएशन की इंटेंसिटी बहुत अच्छी है, ठीक है, उसको आप क्या बोलते हैं, यूफोटिक जोन, ठीक है? अब कुछ डेप्थ बाद में क्या होगा, सोलर रेडिएशन की जो इंटेंसिटी है वो कम होती चली जाएगी, लेकिन विजिबिलिटी है, ठीक है, तो उसको आप क्या बोलते हैं, डिस्पोटिक जोन, ठीक है, डिस्फोटिक जोन। और इसके बाद में क्या होगा, आपका एफोटिक जोन चालू हो जाएगा। एफोटिक जोन का मतलब समझ रहे हो ना, कंप्लीट डार्कनेस। अब एक क्वेश्चन डायटम वाला याद करो कि डायटम्स विल नॉट सर्वाइव विच जोन, एफोटिक जोन, क्यों, क्योंकि डायटम्स आपकी प्लांट अलगी है, उसको फोटोसिंथेसिस करना है भाई, खाना कहाँ से बनाएगा, समझ में आ गई बात? ये आपके हर्माटिपिक कोरल्स हैं, अहर्माटिपिक कोरल्स हैं, ठीक है? अब अपन यहाँ पे स्पेलिंग में आर का थोड़ा सा लोचा है, देखो ये आर है, ये एम है और ये टी है,
ठीक है, या हर्माटिपिक कोरल्स। अब अपन डिस्कस करेंगे टेट्रा कोरल्स क्या होते हैं, हेक्सा कोरल्स क्या होते हैं, और आपकी कोरल ब्लीचिंग क्या होती है, और इनका सिग्निफिकेंस क्या है। ठीक है, तो जो टेट्रा कोरल्स होते हैं इसके अंदर आपको याद आ रहा होगा ना कि प्रोटोसेप्टा अपन ने डिफाइन किया था प्रीवियस पार्ट में। प्रोटोसेप्टा क्या था, आपका एक्टोडर्म से लेकर के सेंटर ऑफ गट तक एक वर्टिकल पार्टीशन जो रन कर रहा था, उसको सेवरल कंपार्टमेंट्स में डिवाइड कर रहा था, वो आपका क्या था, प्रोटोसेप्टा। ठीक है, अब ये प्रोटोसेप्टा का नंबर अगर 6 हो एंड दे आर अरेंज्ड इन 4 क्वाड्रेंट्स, इफ द नंबर ऑफ प्रोटोसेप्टा इज 6 एंड दे आर अरेंज्ड इन 4 क्वाड्रेंट्स, देन दे गिव राइज टू बायलेटरल सिमेट्री। ठीक है, दीज आर नोन एज टेट्राकोरल्स। तो याद रखना है कि टेट्राकोरल्स विल गिव यू बायलेटरल सिमेट्री। एंड हेक्साकोरल्स में क्या होगा, नंबर ऑफ प्रोटोसेप्टा 6 है एंड दे आर अरेंज्ड इन 6 इक्वल क्वाड्रेंट्स। 6 इक्वल क्वाड्रेंट्स में अगर अरेंज है तो आपको वो देंगे रेडियल सिमेट्री। याद आ रहा है कि कोरल्स में मैंने बोला था एक दे विल गिव यू बायलेटरल सिमेट्री एज वेल एज रेडियल सिमेट्री। तो बायलेटरल सिमेट्री आपको टेट्राकोरल्स देंगे और रेडियल सिमेट्री आपको हेक्साकोरल्स देंगे। ठीक है, अब ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं, जैसे टेबुलेटा है, रोगोसा है, स्लेरेक्टिना है। ठीक है, जैसे ये आपका टेबुलेटा है, रोगोसा, स्लेरेक्टिना, हेट्रोकोरोलिया। कई बार क्या होता है मेज द फॉलोइंग वाले क्वेश्चंस में जो मॉर्फोलॉजी के पार्ट्स पूछते हैं, जैसे आपसे पूछ लिया कोरलम आपको किस में मिलेगा, कोरल्स में मिलेगा, लेकिन कोरल्स का अगर कोई एग्जाम्पल दे दे तो वो चार बेसिकली यही इन्हीं में से आता है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। अब इसके अपन बात करते हैं सिग्निफिकेंस की। सिग्निफिकेंस में अपन देखेंगे इसका सेलिनिटी। ठीक है, सेलिनिटी बेसिकली होता क्या है कि अपन क्लोरिनिटी के बेसिस पे डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो इसको अपन ओशनोग्राफी के लेक्चर्स में डील करेंगे जब ओशनोग्राफी स्टार्ट करेंगे। देखो, ब्रेकिस सेलिनिटी के बेसिस पे अपन क्या करते हैं, 4-5 तरह का डिविजन करते हैं वाटर का। फ्रेश वाटर होता है, ब्रेकिस वाटर होता है, सेलाइन वाटर होता है, फिर हाइपर सेलाइन वाटर होता है। ठीक है, तो इसमें ब्रेकिस वाटर का मतलब क्या है कि सेलिनिटी आपकी बहुत कम हो। ठीक है, 10% के आसपास जो सेलिनिटी होती है उसको आप क्या बोलते हैं, ब्रेकिस वाटर। ठीक है, तो इसका एक एग्जांपल है साइथोफेरा। ये कहां पे मिलता है, रन ऑफ कच्छ में, इसको आप ध्यान में रखना। ठीक है, दूसरा है हर्माटिपिक कोरल्स। तो हर्माटिपिक कोरल्स हैं वो अच्छी खासी रेंज में मिलते हैं। रेंज कितनी है, 27 to 48 पार्ट्स पर 1000। ठीक है, और जो आपके अहर्माटिपिक कोरल्स हैं इनकी जो सेलिनिटी रेंज है वो कम है, 34 to 36 पार्ट पर 1000। तो अब इसी वीडियो लेक्चर के इनिशियल जो सेक्शन था उसमें मैंने डिफाइन किया था हर्माटिपिक कोरल्स है, हर्माटिपिक कोरल्स सारा अपन ने रिलेट कर लिया। थोड़ा सा ढंग से देखते चले जाना। ठीक है, अब जो आपके हर्माटिपिक कोरल्स हैं ये कहाँ से कहाँ तक मिलते हैं, जनरली अपने को ट्रॉपिकल रीजन में मिलते हैं। ट्रॉपिकल रीजन का लेटिट्यूडनल एक्सटेंट कितना है, 0° to 23.5°। ये आपका क्या, ट्रॉपिकल रीजन का लेटिट्यूडनल एक्सटेंट है। अब इसमें क्लाइमेट जो अपन डिफाइन करते हैं तो उसमें बोलते हैं कि जो कोल्डेस्ट मंथ होगा उसका भी टेम्परेचर वो 20° से ज़्यादा होता है। जो टेम्परेचर रेंज है वो जनरली 20° से 28° के आसपास रहता है। ठीक है, अब मान लो कि अगर ये टेम्परेचर किसी वजह से बढ़ जाए, ठीक है, तो टेम्परेचर बढ़ने के पीछे तो रीज़न तो बहुत सारे हैं। ठीक है, उसमें अपन एक एक करके डील करेंगे बाद में कि सी वाटर का जो टेम्परेचर है वो कैसे कैसे बढ़ सकता है, उसको अपन अगेन ओशनोग्राफी में ही डील करेंगे। लेकिन कोरल ब्लीचिंग अपने को यहाँ पे देखना पड़ेगा। अब जैसे हर्माटिपिक कोरल्स हैं, तो हर्माटिपिक कोरल्स आर शोइंग द सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विद जूजेंथल एल्गी। ये अपन ने डिस्कस कर लिया इनिशियल पार्ट में इस वीडियो लेक्चर के। अब इसमें जो हर्माटिपिक कोरल्स हैं इससे मान लो ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर जो जूजेंथल एल्गी इज एक्सपेल्ड, मतलब वहाँ से अलग हो रही है। ठीक है, तो जो वेन द जूजेंथिक एल्गी और सिम्बायोटिक एल्गी इज एक्सपेल्ड फ्रॉम हर्माटिपिक कोरल्स, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कोरल ब्लीचिंग। और ये मेनली किस वजह से हो रहा है, इंक्रीज इन टेम्परेचर। और भी बहुत सारे रीजन है, एसिडिटी ऑफ वाटर, पॉल्यूट्स इन वाटर, है ना, आपका जो हाइड्रोकार्बन स्पिल्स होते हैं ओशन फ्लोर पे उसकी वजह से भी कई बार ये प्रॉब्लम आती है। ठीक है, एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी की वजह से भी बहुत प्रॉब्लम हो रही है। तो जैसे आपका ऑस्ट्रेलिया के अंदर अभी जो कोल माइनिंग के ऊपर जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में जो ग्रेट बैरियर रीफ है उसके पास में जो कोल माइनिंग के लिए जो लीज दी जा रही है उसके पीछे लोग बहुत सारा प्रोटेस्ट कर रहे हैं ताकि इसकी इकोलॉजी को बचाया जा सके। समझ में आ रही है बात? तो ये कोरल ब्लीचिंग बहुत बड़ा इश्यू बना हुआ है बेसिकली क्या, व्हेन जूजेंथल एल्गी इज एक्सपेल्ड फ्रॉम दी हर्माटिपिक कोरल्स। तो इससे प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि जो रीफ जो कॉलोनी बना करके कोरल्स रह रहे थे उनके पास न्यूट्रिशन नहीं आएगा, न्यूट्रिशन नहीं आएगा तो डाई आउट हो जाएंगे। ठीक है, और ये जितनी भी जो एल्गी होगी वो आपके एक्सपेल्ड हो जाएगी ओशनिक वाटर के अंदर। ठीक है, तो ये आपकी कोरल ब्लीचिंग है, सिंपल सा है। सो इसी को अपन यहीं पे समअप करते हैं कोरल्स को, और आपका जो भी ऑब्जेक्टिव टाइप के एग्जाम होगा वहाँ से क्वेश्चन जो भी आएगा यहाँ से
कंप्लीट आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब GSI प्रीलिम्स का पेपर देख लो, चाहे आप असिस्टेंट हाइड्रोलॉजिस्ट का पेपर देख लो, चाहे गेट का होने वाला या जेम का होने वाला पेपर देख लीजिए। अगर आप वीडियो लेक्चर्स देख रहे हैं, सिंसियरली देख रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं, तो एक एक क्वेश्चन आप यहाँ से अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है? सो सिंसियरली देखा करो अच्छे से, ठीक है? एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर, एंड शेयर करना इसको, ठीक है? हर अपने दोस्त के साथ इसको शेयर ज़रूर करना, ठीक है?